Hello there everyone, welcome to CECA News. This is your host and dost Mimo taking you through today's news. Today's news comes from Telangana. Telangana has signed an MOU with the Clean Authority of Tokyo. This is solid waste management. Simultaneously, Japanese firm ISE Foods ने ये कहा है कि they will set up एक production plant जिसमें आधुनिक तकनीक यूज किया जाएगा, साथ ही साथ एक सोलर पार्क बनाया जाएगा जो कि एक production में help करेगी और एक आधुनिक तरीके से storage device या facility भी बनाएगी. Next news comes from Delhi. तो Delhi CM Mr. Arvind Kejriwal, उन्होंने गर्ल चाइल्ड वीक प्रोग्राम शुरू किया है. तो 18 जनवरी से 24 जनवरी तक इस वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड टू सेलिब्रेट गर्ल चाइल्ड. और वैसे भी जनवरी 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पे मनाया भी जाता है. आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पहली दफा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट जो पब्लिक क्लाउड पॉलिसी लाई है, जिससे कि अब जितने भी दफ्तर के काम होंगे, जितने भी फाइल्स होंगे, डेटा होगी, वो अभी एक पब्लिक क्लाउड में उसको स्टोर किया जाएगा. तो दे आर डूइंग एडवांसमेंट टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. दैट्स अ गुड थिंग और हम भी इससे एडवांटेज ले सकते हैं इन फ्यूचर. सो इट्स अ गुड मूव. तो आगे बढ़ते हैं तो एक प्रोग्राम, एक अभियान शुरू की गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. ये 2016 में शुरू हुई थी, जिससे कि जितने भी एक्सपेक्टिंग वीमेन है, यानी कि जितने भी प्रेग्नेंट वीमेन है, उनकी केयर के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको कहा गया था कि 9th ऑफ एवरी मंथ को आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है वहां पे, फॉर द चेकअप ऑफ सच वीमेन. तो श्री जेपी नड्डा, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने कहा है कि दिस हैज क्रॉस्ड द 1 करोड़ मार्क. तो 1 करोड़ चेकअप्स फ्री में हो चुके हैं, एंटीनेटल चेकअप्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2016. इट्स अ बिग अचीवमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप फॉर प्रेग्नेंट वीमेन. तो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली. तो रैसीना डायलॉग, दिस इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस जो कि हर साल होल्ड होती है इन दिल्ली और दिस वॉज द 3rd एडिशन. और हालांकि इजरायली पीएम इज अ विजिटर और यहाँ पे वो ऑलरेडी है, तो इसकी जो इनॉग्रेशन थी 16 तारीख को वो उनके ही हाथों से करवाई गई. सो 3rd एडिशन ऑफ द रैसीना डायलॉग कहाँ पे होल्ड हुआ था, ये दिल्ली में होल्ड हुआ था. और इस साल का जो मोटो था दैट वॉज, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में लिखा हुआ है, मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशंस आइडियाज इंस्टीट्यूशंस एंड इडियम्स. 16, 17 और 18 जनवरी में यह होल्ड हुई थी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो स्मार्ट सिटीज इंडिया में अभी एक नई ये चल रही है कि स्मार्ट सिटीज तैयार की जाएगी. तो 9 न्यू स्मार्ट सिटीज विनर के हिसाब से देखे गए हैं इन राउंड 4. और हमारे जो अभी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है उनका नाम याद रखिएगा, श्री हरदीप सिंह पुरी. तो ये जितने भी 9 सिटीज है, मैं उनका नाम नहीं बोल रहा क्योंकि आपको वो पीडीएफ में मिल जाएगा डाउनलोड के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको देख लीजिएगा. तो 9 ये सिटीज सिलेक्ट हुई है फॉर स्मार्ट सिटीज. तो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम आरबीआई. तो आरबीआई की एक डेटा रिलीज हुई है, उसने कंडक्ट की थी सेंसस ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज. तो उसमें यह देखा गया है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सोर्स है
उसमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है मॉरिशियस से, ऑलमोस्ट 28%, ठीक है, सॉरी 22%। तो नेक्स्ट यूएसए से एंड थर्ड फ्रॉम यूके। द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम दी इंश्योरेंस एंड फाइनेंस वर्ल्ड। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे कि आपको पता है, उसने एलआईसी के साथ एक एमओयू इंक किया है, जिसके तहत वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अपने कस्टमर्स को अवेल करेगी, जिसमें कि इन द इवेंट ऑफ डेथ 2 लाख रुपए तक मिलेंगी टू दी नॉमिनी, ठीक है, और हर साल बस केवल 330 रुपया एज प्रीमियम देना पड़ेगा, और उसके बदले 2 लाख का कवरेज मिलेगा, ठीक है। तो एन एसोसिएशन या फिर एंड टाई अप वॉज डन बिटवीन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड द एलआईसी, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो द 14th यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक अवार्ड सेरेमनी होल्ड हुई थी। कहां पे हुई थी? इन मड्रिड, दैट इज स्पेन। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे यहां की एक ट्रस्ट है, उसका नाम है मंगला ज्योति इको टूरिज्म ट्रस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। इसको प्रमोट करते हैं आरबीएस फाउंडेशन इंडिया एंड इंडियन ग्रामीण सर्विसेज। इन ये लोकेटेड कहाँ पे है? चिल्का लेक इन उड़ीसा में ये लोग लोकेटेड है। तो उनको अवार्ड मिला यहाँ पे, अवार्ड का नाम है इनोवेशन इन टूरिज्म एंटरप्राइज, ठीक है। तो 14th सेरेमनी थी यूनाइटेड नेशंस की, और अवार्ड मिला है इंडियन एक ट्रस्ट को जिसका नाम है मंगला ज्योति इको ट्रस्ट ऑफ उड़ीसा, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एट चिल्का लेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम IIITM केरला। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये पहली बार ब्लॉकचेन की एक एकेडमी बनाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा केरला ब्लॉकचेन एकेडमी एट द टेक्नो पार्क कैंपस त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। तो IIITM केरला इन एसोसिएशन विथ ब्लॉकचेन एजुकेशन नेटवर्क इस प्रोग्राम को लाएगी, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इससे पहले ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कोर्स या कोई एकेडमी नहीं बनी, पहली बार ये होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। द NDRF, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो इनका 13th डे ऑब्जर्व हुआ था, 13th रेजिंग डे न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो 13th ईयर में ये लोग हैं, और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे श्री राजीव जैन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। द नेक्स्ट न्यूज इज एक बुक है जिसका नाम है द हर्टफुलनेस वेज। तो इस बुक के जो लेखक है वो है श्री कमलेश डी पटेल, और जॉइंट ऑथर है जोशुआ पोलक। तो इस बुक को आप याद इसलिए रखेंगे एग्जाम के लिए क्योंकि राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अनवील किया गया था बाय आवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और लॉन्च किया था श्री सुरेश प्रभु, द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम द नेवी, INS विक्रमादित्य, ठीक है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी शिप है और एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। तो इसको एफिलिएट किया गया बिहार रेजिमेंट के साथ, और इंडियन एयरफोर्स के नंबर 6 स्क्वाड्रन में ये रहेगी। तो इसके लिए एक सेरेमनी भी की गई थी जो कि हेल्ड हुई थी एट दी कारवार नेवल बेस कर्नाटक में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आएगी कि रिसेंटली INS विक्रमादित्य वॉज एफिलिएटेड टू विच रेजिमेंट, तो आपका आंसर ये होगा कि बिहार रेजिमेंट एंड द एयरफोर्स के साथ, इंडियन एयरफोर्स IAF नंबर 6 स्क्वाड्रन। तो नेक्स्ट न्यूज कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज। तो एक प्रोजेक्ट है द डाइवर्स ऑफ ग्रेट माया एक्वीफायर प्रोजेक्ट, उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर केव को खोज निकाला, जो कि यूटेकन
जो यूकेटन पेनिनसुला में है, दैट इज इन मेक्सिको, कहा जा रहा है कि इसमें दो केव सिस्टम्स है, अगर वो दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं तो 215 माइल्स इसकी लेंथ होगी। सो इफ दिस इज ट्रू देन ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी अभी तक की अंडर वाटर केव साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट हुई है नई श्रीमती आनंदी बेन पटेल, जो कि गुजरात की सीएम रह चुकी है, उनका अपॉइंटमेंट किया गया एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, और शी विल रिप्लेस श्री ओम प्रकाश कोहली। ठीक है, तो नए गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज श्रीमती आनंदी बेन पटेल। अनदर न्यूज फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री एस सेल्वा कुमार, उनको सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, SPMCL। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये बैंक नोट्स बनाती है, कॉइन्स बनाती है, पोस्टेज बनाती है, स्टैम्प्स बनाती है। तो इसके पहले सीएमडी थे श्री अनुराग अग्रवाल, नाउ इसको रिप्लेस करके एस सेल्वा कुमार बनते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पैलेस्टीन जो स्टेट है, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, इंडियन कोई प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट के लिए जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है उसका नाम है ईस्ट जेरूसलम, करंट प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है महमूद अब्बास, पॉपुलेशन है लगभग 4.5 मिलियन, एशिया में ही आती है, प्राइम मिनिस्टर करेंटली है रमी हम दल्ला, और करेंसी इसमें इसराइली न्यू शेकेल यूज होती है। तो यह थी आज की आखिरी न्यूज़, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इंडिया स्टे क्लासी, जय हिंद।